Hi everyone, this is Vijay from Last Rehab, Dehradun. और फ्रेंड्स, ये श्रीनगर गढ़वाल का रास्ता है। ये रास्ता लास्ट जो है बद्रीनाथ की तरफ को जाता है और एक तरफा ये केदारनाथ भी निकलता है रास्ता। तो ये रूट जो है लास्ट काफी टाइम से जो है ब्लॉक था। तकरीबन 25 दिन बाद ये ब्लॉकेज खुली है इस रास्ते की। नहीं तो आदमी को जो है अगर गढ़वाल जाना था तो टिहरी के रास्ते जाना पड़ रहा था, वाया चंबा टिहरी, फिर टिहरी का डैम क्रॉस करके फिर वहां से एक रास्ता निकलता है श्रीनगर के लिए। अभी इस रोड पे काफी काम चल रहा है शुरू से ही। ऑल वेदर रोड यही है यार फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा ऑल वेदर। तो दोस्तों, आज हम अल्कोहलिज्म से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, सिर्फ अल्कोहल से रिलेटेड बात करेंगे। अल्कोहल किस तरीके से क्या क्या करती है इफेक्ट, क्या इसके डैमेजेस हैं, और जो कुछ भी हमें पता है, जितना मुझे पता है उतना ही बता सकता हूं मैं। दोस्तों, एक हमारे आज बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे पास करीबन एक महीने पहले श्रीनगर गढ़वाल से हमारे एक भाई आए थे जिनका नाम विवेक है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं श्रीनगर के अंदर। करीबन 12 साल उनकी जॉब को हो चुका है। अच्छे आदमी हैं, फैमिली वाले हैं, उनके बच्चे भी हैं दो, और ठीक ठाक है उनका अपना हिसाब किताब जो भी है। उनके फादर भी मेरे ख्याल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, पहले PWD में थे शायद। अच्छी फैमिली के लड़के हैं वो। तो वो मेरे पास आए थे, थोड़ा फोर्सफुली भी लाया था मैं उनको एक महीने पहले। उस वक्त पे उनकी कंडीशन बहुत क्रॉनिक ही समझो आप, ऐसी थी कि लीवर वगैरह में काफ़ी सारे डैमेज थे और काफ़ी उनकी मेडिसिन वगैरह चली काफ़ी दिन तक। एट लास्ट अब जो है वो ठीक हैं। और आज मेरे को श्रीनगर से कोई कॉल आई थी करीबन 3-4 दिन पहले से, तो एक नए पेशेंट को वहाँ से मुझे लेके आना है। वो भी आर्मी के हैं, आर्मी में काम करते हैं, और उन लोगों ने भी काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन सेंटरों में बात करी। उसके बाद होता है अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उनने हमारी फ्रिक्वेंसी को मैच करके उनके पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि आप उनको लेने के लिए यहाँ पे आओ, ले जाओ इनको। तो मैं उनको ही लेने के लिए जा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार विवेक के अभी 1-2 दिन ही बाकी हैं, यदि विवेक को भी मैं अपने साथ छोड़ दूं तो ठीक रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे हम सभी जानते हैं यार, लॉकडाउन की वजह से सभी कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है हर जगह, बाद में गाड़ी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईश्वर की कृपा है यार, ये रास्ता भी खुल गया है, नहीं तो बहुत लंबा रूट जाना पड़ता मेरे को। तो एक मिनट पहले मैं विवेक से आपकी बात करवा देता हूँ, मैंने उनसे परमिशन ली है तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक बार उनसे बात करवाता हूँ। और हम लोगों के वीडियो ज़्यादातर यार ओरिजिनल ही होते हैं, तो उसको आप ज़्यादा माइंड करना मत, उसमें अगर 3-5 होता है कुछ। तो एक मिनट मैं विवेक से आपकी बात कराता हूँ। ये विवेक है। मैं विवेक, उसको मैं एक शराब का बहुत आदि हो चुका था, और मैंने शराब इतनी ज़्यादा मेरी जिंदगी में आ चुकी थी कि मैं सुबह शाम मैं बहुत ज़्यादा आदि हो चुका था। मैंने भाई जी से संपर्क किया और वो मेरे को लेने के लिए आए। मेरे को एक महीना हो चुका, मेरा अच्छा से वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ चली, और अब मैं स्वस्थ हूँ। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ भाई जी के साथ में। वहाँ श्रीनगर पे कोई पेशेंट है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं भाई जी, और मैं उनके साथ में अपने घर जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है भाई जी। मैं भाई लोगों से संपर्क करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी भाई जी, कोई भी अल्कोहलिक या कोई भी किसी प्रकार से नशा करता है, भाई जी के संपर्क में आए और वहाँ पे कॉल करें, काफी अच्छा महसूस होगा आपको और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। विवेक, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। विवेक, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना, आप अपने हार्ट से बोलना।
उसमें कोई बनावट वाली या कोई दिखावट वाली बात नहीं है। आपको क्या कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम हुई, आप कुछ ऐसा समझते हो कि वहाँ पे कोई टॉर्चर वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ आपको फील हुआ तो आप बिल्कुल साफ बोल सकते हैं यार विवेक। नहीं भाई जी, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ पे, बहुत बढ़िया रहा। मेरे को पता नहीं लगा कि एक महीना कब कटा मेरा, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयां चली, जो भी होता है बहुत अच्छा रहा। मेरे को महसूस नहीं हुआ कि एक महीना मेरा कब कटा, एक महीने में एक दो दिन कम है, मेरे कोई बात नहीं है, पर मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी फील जा रहा, अच्छी फील हो रहा है। तो ये विवेक थे यार। तो दोस्तों यार, बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि उधर रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर टॉर्चर होता है या पनिशमेंट वगैरह देते हैं, ये तो एक तरीके की क्या है कि अनजान बेफजूल वाली बात है। मैं इसे कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ यार पहले भी, यार 5-7 हजार रुपए अगर आपसे कोई ले रहा है तो वो आपको मतलब 5-7 हजार रुपए में खाना भी खिलाएगा, आपको टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी भी देगा, टूथपेस्ट ब्रश कंघी किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई भी करवाएगा, 4 आदमी आपकी सिक्योरिटी के लिए भी रखेगा कि आप कहीं दाएं बाएं ना हो जाएं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद फिर वो क्या आपको मारने के लिए, तो मेरी समझ से मुझे लगता नहीं कि कोई लाएगा वहां पे। तो कोर ऑब्जेक्टिव ऐसा कहीं से कहीं तक है नहीं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर कोई मारते पीटते हैं, वो कहीं और होता होगा तो भगवान जाने, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं यार। और चलिए हटाइए ये सब बातें, अब मैं आपको, आप रास्ता देखो पहले गढ़वाल का, गर्मियों तक ये बहुत अच्छा रूट बन जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा अल्कोहलिज्म से रिलेटेड बेसिक आपको क्लियर करता हूं, उसके कंसेप्ट हाउ अ पर्सन बिकम अल्कोहलिक, तो उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब कोई बच्चा या कोई आदमी पहली बार शराब पीता है तो उसका जो एक यूफोरिया उसके माइंड के अंदर आता है शराब पीने की वजह से, उस मजे में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है डोपामाइन करके एक केमिकल होता है उसको रिलीज करता है, देन वी फील गुड, अच्छा लगता है हम लोगों को उसका जो भी उसका इफेक्ट है हमारे ऊपर। और 10 में से 5 लोग उसी इफेक्ट को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करने में दोबारा से अल्कोहल पीते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक आधी बार ट्राई करने के बाद शायद शराब को दोबारा कभी भी नहीं पीते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्कोहल को रेगुलर यूज भी करते हैं लेकिन वो उनकी एक क्वांटिटी फिक्स होती है, बिकॉज दे आर वेरी मच कमिटेड विद देयर सेल्फ, क्योंकि उनके एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, साउंड होते हैं वो लोग, तो उनको कोई जल्दी से डगमगा नहीं सकता, वो अपना एक आधा दो पैग रोज इस्तेमाल करते हैं। और हम तो कभी भी इस चीज के विषय में कभी कुछ बोलते ही नहीं है कि शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं, शायद अच्छी चीज होती होगी या बुरी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ यह पता है कि अगर कोई आदमी 24 घंटे शराब पी रहा है या शराबी हो चुका है, वो ठीक होना चाह रहा है, तो उसको कैसे हेल्प करें, वो चीज वो हमारा सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि एक आदमी जब धीरे धीरे कई बार अल्कोहल पीता है, फिर कभी कोई पार्टी वार्टी में बुला लेते हैं लोग, शादी है फंक्शन है, तो धीरे धीरे ये एक रेगुलर प्रोग्रेसिव डिजीज है, जिस बंदे ने अल्कोहलिक बनना होगा उसको अपने चपेट में ले लेती है ये। अब एक ऐसी स्टेज आती है जब आदमी कभी अपनी लाइफ में कहीं अकेला है, घूमने गया है, वो आइसोलेशन फील कर रहा है, अब तो वो अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी और लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है कि खुद ही शराब के ठेके पे चला जाता है कि चलो भाई आज मैं थोड़ी सी शराब ले लेता हूं, और वो क्या फिर उसके बाद क्या वो अपना अकेले में बैठ के शराब पी लेगा, बेशक वो थोड़ा सा पिएगा, एक क्वार्टर पिएगा, या ये भी हो सकता है कि कोई एक हाफ पी ले। अब जब आदमी शराब पीने लगता है अकेले में भी, तो आप ये मान के चलिए कि वो लगभग लगभग
5% 10% एल्कोहलिज्म की तरफ आ चुका है। क्योंकि भाई शुरू में आप ये समझने की कोशिश करिए कि शराब पीने का अर्थ यह है कि कोई सेलिब्रेशन हो, कोई मौज मस्ती का उत्सव हो, और शराब पीने की वजह से इंटीमेसी भी फील होती है ना फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ जाती है धीरे धीरे कि आदमी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भी शराब पीने लगता है। तो इसके लिए उसको कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है घर वालों के सामने, कई बार उसको खुद भी गिल्टी फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, क्यों पी रहा हूं मैं ये शराब बार बार। और धीरे धीरे यार फ्रेंड्स इस तरीके की एक स्टेज आ जाती है आदमी की लाइफ में कि आदमी जो है कोई टाइम नहीं देखता, वो किसी भी टाइम पी लेता है, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, वो अल्कोहल के लिए ना नहीं बोलता बेसिकली। तो जो मैं अब बात बोल रहा हूं, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से गौर फरमाना। होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम निरंतर शराब का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्लीप में डिस्टर्बेंस आ जाती है, हमको नींद आनी बंद हो जाती है फिर एक फेस में। और जब हमको नींद आनी बंद हो जाती है तो होता क्या है कि जो हमने दिन में या शाम के वक्त शराब पी रखी होती है, जब तक उस शराब का नशा हमारे दिमाग में रहता है तब तक तो हम रात को सो जाते हैं आराम से, और जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो हमारी नींद टूट जाती है रात को। अब जब आपकी रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे नींद टूट गई है तो आपको बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है। अब हम क्या करते हैं कि उस वक्त पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ टाइम तक तो हम क्या करते हैं कि पानी पी लेते हैं रात को, और पानी पी के दोबारे से सोने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता है यार। इसके बाद क्या होता है कि जो अल्कोहलिक है आदमी, उसको दिन में ही ये ख्याल आ जाता है कुछ समय बाद कि अरे यार रात के वक्त तो मेरी नींद खुल जाएगी, रात को डेली मेरी नींद खुल जाती है, मेरे को रात को 1 बजे 2 बजे नींद खुलने के बाद फिर खाली पानी पीना पड़ता है, मैं बड़ा परेशान महसूस करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने लिए रात के लिए एक क्वार्टर रख लेता हूँ, क्योंकि यार जब मेरी नींद खुलेगी तो मैं अपना जो है एक क्वार्टर पी लूंगा, यह एक बोतल लेके रख लेता हूं। अब आदमी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंसी बना रहा है स्लीप के लिए, उसकी डिपेंडेंसी बन रही है अल्कोहल पे, उसे सोने के लिए जो है शराब की जरूरत पड़ने लग गई। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो रात को जिस वक्त उसकी नींद खुली उस वक्त उसने अपना क्वार्टर निकाला और पी लिया। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब वो मॉर्निंग में उठने लगता है सवेरे के टाइम पे, तो वो रात भर वो जो सोया है वो स्लीप उसकी अल्कोहल की स्लीप थी, उसको नेचुरल स्लीप तो थी नहीं उसकी। तो माइंड का बॉडी का कोऑर्डिनेशन एकदम से जो है डिसकनेक्ट हो जाता है, आपस में डिस्टर्ब हो जाता है कोऑर्डिनेशन ब्रेन का बॉडी के साथ। तो क्या होता है कि हाथों में सीवनिंग होने लगती है मॉर्निंग के टाइम पे, जब हाथ कांपते हैं सुबह के वक्त, मन नहीं करता किसी भी काम को करने का, बंदा सोचता है यार पहले मैं अगर एक क्वार्टर पी लूं सुबह सुबह तो फिर तो मेरा जो है सारे काम कर लूंगा मैं और बढ़िया रहेगा, मैं अपना सब कुछ ठीक कर लूंगा बस। तो अब उसने क्या करा कि उसने हर चीज के लिए जो है अपनी डिपेंडेंसी अल्कोहल को बना दिया। तो फिर ऐसा आदमी क्या है यार, वो अपनी क्रेविंग के आगे कुछ देखता नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, बीवी कहाँ है, पैसा कहां से आएगा, उसका सिर्फ शराब से मतलब रह जाता है। उन्हें सिर्फ शराब पीनी है, उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े, घरवाली के जेवर बेचने पड़े, कुछ भी गलत काम मतलब जो कर सकता है वो कर देता है वो, क्योंकि उसको उस वक्त उसका दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की ये फाइनल स्टेज होती है अल्कोहलिज्म की, और मैं नहीं चाहता कि यार हर कोई इस स्टेज को फील करे या उसमें जाके घुसे।
तो बेहतर होगा अगर आपको लगता है कि यार आप एक अल्कोहलिज्म की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि यार इसमें देखो बाद में इसके रिजल्ट बड़े गंदे हैं। इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा जो अल्कोहल का इफेक्ट है वो पड़ता है हमारे लीवर के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट लीवर में जा रही है ना अल्कोहल। तो 90% केसेस में क्या है कि लीवर सिरोसिस के कारण अगर आप जांच करोगे ना, तो उसमें अल्कोहल को ही लीवर सिरोसिस का कारण बताया गया है मैक्सिमम केसेस के अंदर। लीवर सिरोसिस हो जाना, डेली अस्पतालों के चक्कर लगने, फिर अस्पतालों से छूटे, थोड़ा सा ठीक हुए ग्लूकोज दवाई लगा के, फिर से घर आके दो चार दिन बाद फिर शराब पी लेनी, और अब की बार क्या होते हैं, और ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इस तरीके से यार कई सारे लोग तो फिर चले ही जाते हैं, वो इंतकाल फरमा जाते हैं दोस्तों, भरी जवानी में उनके इंतकाल हो जाते हैं शराब की वजह से। अब जो है इसका सॉल्यूशन यही है कि इसका सॉल्यूशन यार एक प्रोग्राम है, ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है फ्रेंड्स। ये बोलता है कि यार जब दो बहुत अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति whenever they talked about their crisis, they don't have any thought of alcohol. उनको मतलब जिस टाइम पे वो कंटिन्यू आपस में अपनी अनमैनेजेबिलिटी जो आई है अल्कोहल की वजह से जब उसके विषय में बात करते रहते हैं, तो उनको शराब पीने का कोई ख्याल आता नहीं है। तो यार भाई अगर दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूंगा यार, जिन चीजों का सोल्यूशन है उन चीजों पे और ज्यादा R&D करने की हमें जरूरत है नहीं। हमें पता है कि भाई अगर कोई शराबी हो गया है या नशेबाज हो गया है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस और नार्कोटिक्स अनोनिमस के अलावा कोई चीज है ही नहीं जो उसको ठीक कर सके। तो हम लोगों को अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कई सारे लोगों के घर वाले क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे पे इंक्वायरी आई टिहरी गढ़वाल से, तो उन्होंने कहा कि सर इसको आज ही ले जाना है। हमने कहा ठीक है। उस दिन मेरे को कहीं और कुछ काम थे, अपने शेड्यूल थे पहले से, तो शाम के वक्त उन लोगों ने उसे इंक्वायरी को कैंसिल कर दिया, ये बोल के कि हमारी मम्मी बोल रही है कि पहले हम जो है इसके लिए बकरा कटवा रहे हैं, हमारे गांव में पूजा होनी है और शायद इसके ऊपर कोई देवी देवता का असर हो गया है कुछ बुरा। तो हमने कहा ठीक है भाई। करीबन भैया 4-5 दिन बाद उन लोगों ने हमको फिर से कॉल करी कि भाई अब तो इसका देवता जो है बहुत ऊपर चले गया है, ये तो जो है घर में बिल्कुल सर फोड़ने को तैयार हो रहा है सबका। फिर हम जाके उसको लेके आए, हाल फिलहाल उसके सारे भूत उतर गए हैं और वो ठीक ठाक है, अभी डिटॉक्स रूम में है। तो ये था यार, अब जो भी है थोड़ा बोरिंग लगा होगा आप लोगों को, अगर आपके सब्जेक्ट का नहीं था ये तो बोरिंग फील होगा आपको, लेकिन मेरी समस्या जो है एक अल्कोहलिक है जो शराबी बनता जा रहा है या शराबी बनने की तरफ जा रहा है, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है यार अल्कोहलिक होना अपने आप में, या नशेबाज बनना, ये व्यवहारों की समस्या है आदमी के, नेगेटिव परसेप्शन और नेगेटिव एटीट्यूड ही इसका रूट कॉज है अल्कोहलिज्म का। तो बाकी सब ठीक है दोस्तों, यहाँ किसी को होटल वोटल खरीदना होगा तो आइए आप लोग, काफी बढ़िया जगह है ये बड़े लोगों के लिए। पांच बदरी पांच केदार सब इधर ही है दोस्तों, ये रास्ता बहुत महान रास्ता है फ्रेंड्स। गाना अभी नहीं सुनाऊंगा, गाना फिर सुनाऊंगा फ्रेंड्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।